हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज आपको इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट से बेसिक इंपॉर्टेंट है आधार के रिलेटेड। तो आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम तो आपको भी देना है या फिर नहीं देना है। अगर अगर आप आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम देते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आधार मतलब ऑपरेटर बनने के लिए यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी भी है, आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पर कैसे किस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब स्टार्ट है, वेलकम टू आधार कार्ड, यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आपको वहाँ पर क्लिक करके करना होता है। ओके, आप समझ गए और गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी पढ़ लेने जो नीचे भी लिखी गई है। ओके, सो आपको जो है ना तो आपको मैंने एक चीज़ बता देता हूँ, जो आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका एग्ज़ाम देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज़र मतलब बन सकते हैं, कोऑपरेटर बन सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, कैंडिडेट्स मस्ट द चेलिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर द सबमिट, से पहले सबमिट करने से पहले आपको करना पड़ेगा फॉर्म द आधार कार्ड ऑपरेटर सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट थ्रू द एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले तो अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करने हैं, वहाँ पर टाइप कर देने जो मैंने टाइप किया है, एग्जैक्टली यही टाइप करना है, NSPITUIDAI, यही टाइप करना है और सर्च करना है आपके ब्राउज़र में, ठीक है। एंटर मारना, सर्च करना, और ये फर्स्ट वाला ही लिंक देख रहे हैं, इस पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिंक में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, वेलकम टू लॉगिन पेज पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर न्यू टैब में ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी पेज पे आप आ चुके हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पर क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर बता देता हूँ कि पहला जो स्टेप है अपलोड XML फाइल, तो वो कहाँ क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना होता है आपको। ओके, तो आपको याद है कि मैंने क्या बोला था, एग्ज़ाम जो है आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ता है, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आ गया, सिचुएशन वही आई हुई है, इसे पढ़ना पड़ेगा आप। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं, तो ये जो जी वाला है ना, वो यहाँ पर मिल जाता है। तो यही है XML फाइल का क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड द फॉर्म, ये लिंक एक लिखा है यहाँ पर, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये लिंक देख रहे हैं आप, तो इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं न्यू टैब में, आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। ओके, लिखा हुआ यहाँ पर KYC, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आना है, यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर लिखा है, यहाँ पर देना है, टाइप करना है। तो जो भी आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होगा उसे टाइप करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड टाइप करना है, और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देख सकते हैं, यहाँ पर Z5ROQ यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है, और सेंड OTP पे मैं क्लिक कर दूंगा। सब कुछ एंटर कोड भी लिखना है यहाँ पे, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चेंज भी होता है, आप चेंज भी चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर यही वाला एग्जैक्टली मैंने लिखा है, ओके, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए सेंड OTP पे क्लिक करते हैं और दिखाता हूँ कि आपको क्या होता है। ओके, सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो आपके फ़ोन में मैसेज आएगा, जिस फ़ोन से भी रजिस्टर्ड रहेगा आपका आधार कार्ड नंबर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मेरे आधार कार्ड पे यहाँ पर आएगा चेक योर फ़ोन मोबाइल नंबर। तो मुझे मोबाइल नंबर चेक करना होगा, जिस वजह से मेरे को आएगा, और मैं उसे आगे यहाँ पर OTP टाइप करूँगा नीचे। ओके, सो यहाँ पर OTP जैसे आएगा मैं टाइप कर लूँगा, आपको भी देखने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिजिट का आएगा या फिर 8 डिजिट का आएगा, तो 6 डिजिट का आया मेरा, और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर प्रेस एंटर कोड। ओके, सो यहाँ पर करने क्या है कि आपको खुद से एक कैरेक्टर और 4 कैरेक्टर के आपको आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे पासवर्ड एक क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड क्रिएट करना, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सब कुछ हो गया, अब डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड है समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया है, हो गया। ओके, सो Ctrl Z भी कर दूंगा, कंट्रोल जे भी कर दूंगा, तो यहाँ पर शो इन फोल्डर आ गया है। अब इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा मैं, और विनरार आपको आपके पास होनी चाहिए ये देखने के लिए, ओपन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल जे वापस करके दिखाता हूँ आपको, स्टार्टिंग से यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर
ये कट करना है, और यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑफलाइन लिखा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर एक एंटर पासवर्ड करना होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड कौन सा एंटर करेंगे, जो आपने अभी क्रिएट किया था। मैंने अभी क्या क्रिएट किया था, 8600, तो वही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। ठीक है, वो मेरा पासवर्ड है। सो वही मैं टाइप करने के बाद मैं क्या करूँगा, शो करके दिखा देता हूँ आपको, ये वही है मेरा पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ओके पे मैं क्लिक करने वाला हूँ नीचे ये। ओके, तो ओके पे मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपको भी। तो ये ही एक इम्पॉर्टेंट है, XML फाइल यही है। अगर कुछ भी एरर वगैरह दिखाया तो मतलब कुछ रॉन्ग हो गया, बट आपको ये ऐसा ही कुछ दिखने वाला है। ठीक है, तो आपके पास ये देखने के लिए जो भी है एज होना चाहिए, जो भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपलोड करते हैं क्योंकि हम लोग डाउनलोड किया था। चूज़ फाइल डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला। तो आपके फोल्डर में जहाँ भी सेव रहेगा उसे ओपन करके कर लेना। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दूंगा इसे सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो अपलोड क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट योर फाइल देन प्लीज़ क्लिक ऑन अपलोड। ओके, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको शेयर करना पड़ेगा कोड, वो कोड ओपन होने के लिए, तो कर देना 8600। ओके, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर कोड लिखा था, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक किया, सक्सेसफुल हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आपको यहाँ पर बता दिया गया है मोबाइल नंबर एज़ पर द आधार कार्ड पे जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वही नंबर देना है। उस पर OTP जाएगा, तो 8600664511। ओके, और वैलिड डेट पे क्लिक करना है, वैलिड डेट पे सक्सेसफुल हो गया, मोबाइल वैलिड डेट नंबर है। ओके क्लिक करना, फिर सेंड मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। अब यहाँ पर मेरे फ़ोन नंबर जो भी है, इस फ़ोन नंबर पे मेरे को एक OTP सेंड कर दिया गया है, 2 मिनट 53 सेकंड का मेरे पास टाइम है। ओके, तो जैसे मेरे फ़ोन में OTP आता है मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा 7553, यही है, तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ और वेरीफाइड OTP पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गई है, इसे जूम आउट छोटा करके दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है। ओके, देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आएंगे आधार कार्ड के लिए, यहाँ पर चाहिए आपके ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अच्छे से स्पेलिंग, एक एक स्पेलिंग देखना होगा आपको कि क्या है आपका स्पेलिंग। ओके, 46 जो भी है मेरा ईमेल आईडी, मैं अपना दे दूँगा। अब यहाँ पर शो XML कंटेंट, यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, क्लिक कर देता हूँ। सो आपको भी यहीं पे क्लिक करना है। फाइनली मेरा आप आधार कार्ड का देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा आपको भी अपना खुद का शो आधार कार्ड डिटेल्स। तो आपका भी जो भी है, क्योंकि ये बचपन का है तो ऐसा दिखने वाला है, सबके साथ होता है ऐसा। ओके, कंफर्म करना है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कंग्रेचुलेशन, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुल विथ user ID एंड पासवर्ड। ये ना, आप जो ये लाइन में देख रहे हैं आपको लिख के दिया गया यूज़र एंड पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। user ID आपका चेंज नहीं होने वाला, पासवर्ड आप चेंज कर देंगे आगे जा करके, लेकिन आपको user ID याद रखना है। user ID को कहीं पे सेव करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, सो मैं इसे मेरे को ईमेल भी कर दिया जाएगा और मैसेज भी कर दिया जाएगा, जिस वजह से मेरे को ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब भूल ना गया। तो मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ या फिर इसे कॉपी करके नोटपैड में सेव करके फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक दिख रहा है, प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं आप, क्योंकि मेरा आप न्यू यूज़र के लिए यहाँ पर सब क्रिएट हो चुका है, बस अब मुझे लॉगिन करके आगे बढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। लॉगिन करना होता है, अब यहाँ पर user ID पूछा गया, तो user ID बताना है मुझे, मेरा user ID क्या है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। पासवर्ड टाइप करूँगा जो पासवर्ड मुझे वहाँ पर लिख कर दिया गया था। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया, साइनिंग पे क्लिक कर दूंगा। साइनिंग पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ओके, क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे चेंज करने का पासवर्ड आ चुका है, तो मेरे को अपना खुद का पासवर्ड रखना है, जो भी मेरे को रखना चाहिए, जो भी मुझे रखना है मैं वहाँ पर रख लूँगा। ओके, सो न्यू पासवर्ड, वापस से ओल्ड पासवर्ड डालना है जो पहले का था। ठीक है, जो पहले से था पासवर्ड आपका, अब पासवर्ड वो ओल्ड वाला एग्जैक्टली सेम डालना है। अब मैं क्या करूँगा, डाल दूंगा। उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड मैं जो भी चाहता हूँ वो पासवर्ड यहाँ पर नीचे वाले में डाल दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ क्या रखना चाहूँगा। हाँ, ये थोड़ा सा एक टफ होता है, लेकिन आप रख लेना आपको न्यू पासवर्ड।
जो भी रखना चाहेंगे। उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड, वही सेम डालना है जो भी आपने न्यू में डाला, वही कंफर्म न्यू वाले में भी डालना है, क्योंकि आप कंफर्म करो कि आप जो पासवर्ड डालना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। तो एक बार मैं भी श्योर हो जाता हूँ ऐसे डाल के। उसके बाद डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सीक्रेट क्वेश्चन पूछा गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पासवर्ड के साथ में भी पूछा गया सीक्रेट क्वेश्चंस। सिटी वेरी अर्बन, ओके मैं फेवरेट कलर बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं, फेवरेट कलर बहुत अच्छा। तो फेवरेट कलर का नाम जो भी है मेरा BLACK, हम चेंज पासवर्ड पे मैं क्लिक कर दूँगा आंसर देने के बाद, ठीक है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है, बस यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, सक्सेसफुल हो चुका है, क्लोज़ कर देना आपको। ओके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्लोज़ कर देता हूँ मैं इसे, इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए फॉर्म का। ओके अब यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे, हर एक चीज़ें। ओके अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ओके अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है, जो भी आपने न्यू क्रिएट किया, यूज़र आईडी एंड न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड टाइप कर लूँगा, साइनिंग पे क्लिक कर दूँगा। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ओके सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है लेकिन ऊपर है। ओके यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है ना, हाँ तो ऊपर रहना है और मॉक, ओके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मॉक एग्ज़ाम उसके बाद होगा, पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होंगे कुछ, जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशंस होंगे यहाँ पर, बेसिक डिटेल्स में आपको एजुकेशन डिटेल्स देनी होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ कंप्लीट है, ट्वेल्थ बता देना है, लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम बताने यहाँ पर, तो लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम जो भी आप करेगा वो यहाँ पर बताना होगा। आप सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर क्या करने के लिए, सुपरवाइज़र ऑपरेटर बनने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, लैंग्वेज बताऊँगा मेरी खुद की लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज बताऊँगा, ठीक है। ओके यहाँ पर बताऊँगा मतलब एग्ज़ाम का लैंग्वेज बताऊँगा, मतलब जो एग्ज़ाम में लैंग्वेज यूज़ किए जाएंगे वो कौन से लैंग्वेज यूज़ किया जाना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी, तो मैं वो कर लूँगा। सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी मोड कोड, वो सेलेक्ट करने के बाद जो भी होगा मुंबई आपके आसपास का। अब यहाँ पर प्रीफर टेस्ट स्टेट, तो यहाँ पर टेस्ट स्टेट जो भी होगा यहाँ पर आप बताएंगे कौन से स्टेट में आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम हो। सो मैं चाहता हूँ जिसमें भी, यहाँ पर मुंबई, ओके मुंबई जो भी है, बहुत सारे यहाँ पर आ सकते हैं, पी से भी, एम से भी है, सो यहाँ पर इसे मुंबई सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे। और नीचे प्रीफर टेस्ट सेंटर नेम, उसके बाद टेस्ट सेंटर नेम फिर से पूछेगा, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप नवी मुंबई, मुंबई अंधेरी जो भी यहाँ पर दहीसर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब सब कुछ हो गया, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रीव्यू है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का, मेरे यूज़र आईडी, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, और ये मेरा ऐसा कुछ दिखने लगेगा। प्रोसेस टू सबमिट पे आप आना है, यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद प्रोसेस टू सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है और सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर भी नीचे देखने मिल जाता है, ओके आप पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने की पारी आई है तो पेमेंट करनी होगी, ठीक है। सारी चीज़ देख लेना अच्छे से, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा दोबारा ज़रूर चेक करना है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से करना होगा, ठीक है, ऑलरेडी पेड का भी ऑप्शन है बट ऑनलाइन मोड से करना है आपको, ऑनलाइन मोड पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करना है, पॉपअप आपका ऑन होना चाहिए, पॉपअप आता है, मैसेज आता है ओके का ऊपर से, सो उसे ऑन रहने देना, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आएंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके जैसे मैं भीम UPI के थ्रू करना चाहता हूँ, एंटर UPI ID, तो यहाँ पर एंटर UPI ID मुझे टाइप करना होगा, जो भी होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया मेरा UPI ID ऐसा है तो ऐसा टाइप करूँगा। तो अब आपका जो भी रहेगा अपना UPI ID यही वाला एग्जैक्टली, आपका भी कुछ रहेगा ID तो यही वाला ID आपको टाइप करना है, ठीक है। सो मैं अपना ID डाल करके पेमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके पेमेंट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है रिक्वेस्ट टू यू अप्रूव द ट्रांजेक्शन्स लॉगिंग द UPI, ओके पेमेंट्स प्रोसेस्ड, सो 5 मिनट 40 सेकेंड्स, ये क्या है, वेट करना है, ये आगे आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, आपके फ़ोन में प्रोसेस होता है आगे का।
भीम से करते तो ये हो गया मेरा, देख सकते हो आपके सामने सामने हुआ, कुछ मैंने अलग सा नहीं किया, ठीक है। तो आपके सामने हुआ, यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका, ट्रांजेक्शन आई डी भी यहाँ पर आ गया है मेरे को, अब इसे भी मैं नोट डाउन करके रख लूँगा, जो भी आगे काम आता है जहाँ शायद आएगा। बुक शीट करूँगा यहाँ पर, टेस्ट सेंटर जो भी है टेस्ट सेंटर देख सकता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट डेट, टेस्ट डेट जो भी डेट, जिस डेट को भी मैं चाहूँगा अप्लाई करना चाहूँगा उस डेट को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि जब तक मेरे को सब कुछ याद वगैरह हो जाएगा तब तक मैं कर दूँगा। आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है 500 क्वेश्चंस के आंसर वगैरह दे दिए हैं, आप ताकि आप क्या कर सकें उसे पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में पक्का पक्का एकदम से पास हो सकें, ठीक है, अच्छे मार्क्स से। 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस वगैरह तो आएंगे ही आगे आपको। मैंने क्वेश्चंस भी लिंक दे दी गई है, अब उसे भी आपको क्या करना है क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी यहाँ पर ये अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप अपने फ्रेंड या फिर किसी को भी ऐसा जिनको भी ऑपरेटर बनना है तो उनको वीडियो ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।